एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। अप्रैल में भी भीषण गर्मी पड़ने की वजह से हरियाणा में बिजली की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कई जगहों पर बिजली विभाग आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। बिजली की खपत और लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण अम्बाला में बिजली के कट काफ़ी ज़्यादा लगने शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते इस तपती गर्मी में आम जनता को परेशानियों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। तो गर्मी में ना बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। लाइट आती है थोड़ी देर के लिए, फिर चली जाती है, दिन में फिर आती है फिर जाती है, रात को दो दो घंटे सोते हैं, आधी रात को फिर लाइट जाती है, फिर थोड़ी देर सोते हैं फिर चली जाती है लाइट। इतने परेशान है ना बच्चे, दुखी हुए पड़े हैं। सुबह स्कूल कैसे जाएंगे, पढ़ेंगे कैसे बच्चे, ना फ्रिज चले ना कुछ चले, सब चीज़ें खराब हमारी। हम तो आप गरीब बंदे हैं, ऊपर से लाइट नहीं होती, घर आओ तब भी देखो तो अंधेरा ही होता है, कब काम करें घर का कब करें बाहर का, बिल्कुल भी ना आराम है ना कुछ है। अब क्या करें, इतना ना बिल भरते हैं, इतनी दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। अब ऐसे में कोई बिल देने को मन करेगा? इससे बहुत ही ज्यादा परेशान है। दो दो तीन तीन बार बिजली चली जाती है, जो सामान है हमारा सारा खराब हो जाता है, ना हम सो पाते हैं, और बच्चे इतने परेशान होते हैं कि अब टेलीफोन करते हैं वो चकते ही नहीं है महाराज। एक बारी टेलीफोन कर, दो बारी बिल्कुल ही चकेंगे नहीं वो। और जब लाइट आती है फिर फेस चला जाता है, उसके बाद दो दो तीन तीन घंटे फेस नहीं आता है। और जहाँ तक अनशेड्यूल कट की बात है, इसके बारे में मैं जो ऊपर मेरी बात हुई है, कुछ हमारे पावर प्लांट्स हैं, जैसे कि खेदड़ में दो पावर प्लांट, दो यूनिट हमारी बंद है, 600 मेगावाट के करीब, 600 मेगावाट। इसी तरह आपका जो झज्जर के एनटीपीसी का पावर प्लांट है, वहाँ एक पावर प्लांट हमारा बंद है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि दो तीन रोज़ के लिए शॉर्टेज है। बाकी एक दिन में भी सप्लाई हम नहीं चला रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है कि वो जो एपी का फीडर्स हैं वो हम रात में चलाते हैं, तो वो भी एक ओवरलोडिंग की वजह से।